And अभी यहाँ पे लियो मेसी गोइंग फॉर द पेनल्टी मैसेज देनल्टी मोन डिबो मेरे भाई चांस बनते हुए हम कर सकते हैं पहला गोल हुलियन टेक इट होना सेवयस क्या है Yeah! क्या हो रहा है सी मेंडी? बरीज इट बरीज इट ओटा मेंडी बरीज इट मेरे भाई ओटा मेंडी नहीं गोटा मेंडी है आर थ्रू यस अगर आपने अर्जेंटीना वो सेक्टॉल पेनल्टी को सरवाइव कर लिया तो जिंदा हो तुम बिकॉज भैंस की आंख मेरे तो गोटे वोटे सब मिला के मुंह में आ गए थे मैं तो दो तीन उगल ही दिया था भैंस की आंख वॉट अ गेम दैट वाज एंड ऑनस्टली यार अर्जेंटीना ने अच्छा नहीं खेला भाई मेसी की पेनल्टी मिस होती है भाई एक ही हफ्ते में एक ही हफ्ते में भैंस की आंख मेसी ने और रोनाल्डो ने दोनों ही गोट्स ने अपनी अपनी कंट्री के लिए पेनल्टी मिस कर दी है और उनकी डेफिनेटली टीम की जरूरत पड़ी उनको सेव करने के लिए मतलब डीबू स्टेपअप किए यहाँ पे अर्जेंटीना के लिए जब मेसी ने पेनल्टी मिस की थी वहाँ पर डिओो को स्टेप कर रहे पोर्चुगल के लिए जब क्रिस्टियानो ने पेनल्टी मिस की थी एंड भाई इनकी टीम ने स्टेप अप किया इन दोनों गोल्स को कैरी किया तो बाबा एक चीज हमें ये पता चलती है कि भाई लोग पेनल्टी आसान नहीं है पहली बात बड़े बड़े गोट्स ने एक हफ्ते में एक हफ्ते में तुम्हारे गोट मेरे गोट हम सबके गोट्स क्रिस्टियानो मेसी दोनों ने अपनी अपनी पेनल्टी मिस किए दैट टेल्स यू कि भाई फुटबॉल का हर एक एलिमेंट चाहे वो पेनल्टी हो चाहे वो फ्री किक हो चाहे वो एक थ्रो विन हो चाहे वो एक 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 गोलकीपिंग सेवो हो एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप हर एक मोमेंट पे इतना बड़ा रिस्क ले रहे होते हो या तो इसलिए मैं कहूँगा थोड़ा सा यार हम ना रिस्पेक्टफुल होते हैं टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज एक हफ्ते में हमें समझ में आ गया भाई कि पेनल्टी से आप या तो खुश हो सकते हो या तो फिर आप रोते हुए घर जाओगे एंड भाई थैंक यू थैंक यू, यू मेरे भाई दीपू दीपू मेरे भाई मेरी इज्जत बचाने के लिए दो हजार इक्कीस कोप अमेरिका में हमें सेव करने के लिए दो हजार 22 फीफा वर्ल्ड कप में हमें फिर से सेव से करने के लिए नॉट वंस नॉट ट्वाइस नॉट थ्राइस बट फोर टू फाइव टाइम्स आज भी ने आज एक, को के एक बहुत ही mercurial performance दिखाया नॉट जस्ट उसने जो एक दो और किए थे इन द गेम दैट वॉज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस बट अर्जेंटीना कांट विन लाइक कांट विन लाइक दिस हम ऐसा नहीं खेल सकते हैं दिस इज अ बॉटल जॉब दिस इज अ बैड गेम फ्रॉम यार एक क्वेश्चन यही है आप भी बताओ

आज जो सबसे बुरी सबसे गलत जो चीज थी यहां पे अर्जेंटीना की वो बेसिकली ये थी कि यार हम वैसा जो कंस्ट्रक्टिव प्ले खेलते हैं अपना पोजिशन बेस्ड गेम खेलते हैं हम नहीं खेल पाए एंड मेसी गेम में इन्वॉल्व नहीं हो पाया और एक चीज जो मैंने कही थी आप लोगों को मैच स्टार्ट होने से पहले लाइव स्ट्रीम पर कि इक्वडोर आपका मोमेंटम हर्ट करने की आपका रिदम को ब्रेक करने की पूरी कोशिश करेगी बट एक बार आई हैव टू टू से ऑफ है बाबा उन्होंने रैली में प्रूव किया कि वाई दे आर हेयर इन द क्वार्टर फाइनल एंड वाई लानोस कॉलोनी प्रेज ने अपने इंटरव्यू में इनको काफी प्रेज़ किया था कि भाई 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 इज अ टीम टू आउट फॉर एंड आज उन्होंने दिखाया वो जीत जाते अपना गेम यार हम वन के लीड पे थे उन्होंने नाइनटी प्लस थर्ड मिनट में इक्वलाइजर मारा उसके बाद वो नाइनटी प्लस सिक्स मिनट में विनर मार सकते थे भाई इनका एक जो सब्स्यूट प्लेयर होकर आया था यहां नंबर का था उसके हेड से बॉल लगी थी नैरो मिस था भाई वो वो गोल था वर आउट वी आर आउट बाई ऐसा सिन्नारो पर हम राइड कर रहे हैं वाई डू वी कीप ऑन डूंगट मेरे लिए तो भाई गेम का मैनेजमेंट वॉज नॉट गुड और, और ये बात काफी टाइम से कह रहे थे कि भाई अर्जेंटीना ये कोपा अमेरिका नहीं जीतेगा अगर हम गेम मैनेज ढंग से ना कर पाए और यही प्रॉब्लम थी हमारी वर्ल्ड कप में जो नीदरलैंड के गेंस हमने देखा प्रोबली ऑस्ट्रेलिया के गेंस भी सम हाउ विथ कंटेंट और हमने ट्वेंटी ट्वेंटी वन के कोपा अमेरिका में देखा था जहां पर कोलंबिया ने कम बैक कर लिया था दैट वॉज ऑल्सो अ गेम एंड बाई ब्राजील वाला मैच था जहां पर ऑलमोस्ट ब्राजी ने भाई कैसे उसमें स्कोर नहीं किया था वी जस्ट डिफेंडेड विथ एवरीथिंग विड तो ये जो हमारे

वो फ्लाइंग हाई बट हमें सऊदी अरेबिया ने आसमान से उठा के जमीन पर दे पटक मारा कहा बेटी ऐसे वर्ल्ड कप है मजाक नहीं तो अगेन आउट से कोपा है ने हमें भाई भाई रियलिटी दिखा दी कि वी गो ऑन एंड बी इजी इन दिस टूर्नामेंट बिकॉज एक मोमेंट पे आपको एक स्नैप गोल पड़ेगा आप रोते रह जाओगे भी नहीं है क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है तो अगर टीम ने लेट कम किया तो मैच सीधे पेनल्टीज में जाएगा एक्स्ट्रा टाइम में नहीं जाएगा तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब आई थिंक लाल अपनी टीम को एड्रेस करेंगे कि भाई ट्राई टू प्ले एंड बाबा आज क्या जरूरत थी निको को खिलाने की वाई निको प्लेड डिफेंसिव सिक्योरिटी की वजह से कि आप निको का इस्तेमाल करोगे क्योंकि भाई कैन रिपायस है प्रिकादियो इनके जो राइट बैक है चढ़ के खेलते अच्छा गेम था भाई बंदे का एंड सार्मियन तो कभी क्लैंग स्विच कर लेते तो आपको एक डिफेंसिविव सपोर्ट चाहिए बट बहुत ज्यादा डिफेंसिव होते हो अगर आप तलफिक और निको को आप एक साथ खिलाते हो मुझे पता है गरना शायद अभी रेडी नहीं है उस सेम वेवलेंथ नहीं है स्टार्ट करने के बट बाबा डी मारिया आज एक अनयूज सब्सिट्यूट थे आई डो नॉट नो कि फिटनेस इश्यू था या क्या था बट भाई यू कुड गॉन विद अलवारिज या फिर जियन लॉस सेल्सो एनी वन इन दैट पोजिशन बिकॉज निको मुझे कन्विंस नहीं करता है एंड टू बी ऑनस्ट एक और बंदा आज काफी खराब खेला एंड दैट इज एनजो फर्नांडिस बाबा एनजो ने चांस मिस की वो तो है ही है उसके साथ साथ स्लॉपी पोजिशन में था ट्रैक बैक नहीं कर पा रहा था भाई एनजो वॉज ऑल ओवर द प्लेस एंड भाई मुझे नहीं लगता कि हमने आज अपना ढंग का गेम खेला है एक बंदे ने आज अपना बेस्ट गेम खेला है आउट से भाई स्टिल स्टेपअप किया है वो था मैकेलेलिस्टर बस बाबा मैकेलेलिस्टर आज था गेम में इसके अलावा ना तो मुझे डिपॉल भाई डिपॉल भी आज पूरे मैच में बुरे थे एनजो बुरे थे मेसी थे नीको बुरे थे तगलाफी को बुरे थे बाकी दोनों डिफेंडर्स ने हमारा जॉब किया हाँ, पे मार्थिनो ने लीचा ने वो गोल स्कोर किया सॉलिड था इंटरसेप्शन ब्लॉक्स कर रहे थे बाकी इसके अलावा खूटी इंपॉर्टेंट थे एंड बाइट डिबू दीबू के बारे में क्या ही बोलूं मैं यार संकल्प भाई ने हमारे लाइफ स्ट्रीम पे एक कमेंट किया था कि आई वुड ट्रस्ट दीबू मोर इन पेनल्टीज देन मी वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट्स तो मतलब इतने प्यारा मतलब समझ सकते इमोशन से ये हमारे दीबू के लिए मुझे पता नहीं मेरी आवाज़ फट चुकी है बिकॉज मैं ऐसे कुत्तों जैसे सेलिब्रेट करा था बिकॉज अर्जेंटीना गेट्स यू लाइक दैट यू नो आप ऐसा फील करते हो जब आप पेनल्टीज में जा रहे हो बाबा अचानक से आपका वो एक स्विच होता है दिल की धड़कन ऐसे बढ़ती है आराम से आप नब्बे मिनट का गेम देख रहे हो वन एल के लीड पर आपको लगता है भाई सी ऑफ कर जाओगे बट एक गोल आता है एंड देन यू आर इन द पेनल्टीज तो बाबा यहाँ पे आई ओपनर है आपको गेम बेटर मैनेज करना पड़ेगा एंड टू बी ऑनर्स अगर आप स्टाटिस्टिक्स देखिएगा यहाँ पे तो इक्ोडोर के लिए आपके पास बस भाई कुछ नहीं होगा यू वुड भी फीलिंग सैड फॉर दम एनी न्यूट्रल वुड से कि भाई इक्वडोर वॉर द बेटर टीम एंड आई विल अग्री विथ यू

ज्यादा थ्रेटिंग थे हमारे लिए और हमारा तुम अटैक देखोगे राइट हैंड साइड पे थ्रू मोलिना लेफ्ट हैंड साइड पे आपके निको गोन्स और सेंट्रल भी काफी ज्यादा अटैक हमारा डोमिनेंट था मतलब आउट अटैक था हमारा बट आई स्टिल वुड होप कि भाई हम इससे और बेटर करेंगे प्ले ऑफ पोजिशन आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगे हमारा जो सेटअप था लफीको की वजह से हम अपर एक बैक थ्री में खेलते हैं अगर यहां पे अकूनिया होते हैं ना तो अकूनिया हायर अप द पिच पोजिशन अपनी होल्ड करते हैं तो लोसेल्सो या जो एक्स्ट्रा मैन मिडफील्डर होता है वो इन साइड आ जाता है जिसकी वजह से लुतारो को इतना डीप खेलना नहीं पड़ता है एनजो आज भाई अगेन डन था भाई बाय बंद

फेयरली इन्वॉल्व कर पाता है बट मैच में वो थ्रेटनिक पोजिशन में आ नहीं पाते बिकॉज पहले तो बंदे को वो निको के साथ अच्छा सिंक नहीं है मेसी और निको का सिंक नहीं है बाबा तुम वहाँ पे अखूनिया खिला दो स्टिल बेटर है तुम वहाँ पे लॉसेल्सो खिला दो स्टिल बेटर है बिकॉज आई बिलीव लॉसल्सो और मेसी का कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा होता है तो आप देखोगे कि इकोडोर के प्लेयर्स हैं ये जो एवरेज पोजीशन है ऑल ओवर द पिच है ढंग से हम चाहते इस मैच को हम बहुत बढ़िया तरीके से टैक्टिकली बहुत बढ़िया तरीके से डील करके खेल सकते थे बट वी डिड नॉट डू दैट हमने थ्रो अवे किया मैकेलिस्टर आज फार थे भाई एंड आई थिंक यहाँ पे एक थॉट है लानुस कलोनी के लिए कि बाबा आप जाइए आप ढंग से सोचिए आपकी टीम की क्या होने चाहिए सिस्टम परदेश का खेलना इंपॉर्टेंट है परदेश नहीं तो भाई हमारे पास एजिक्यूल फर एजिक प्लासी है पलासीआस को खिला दो मेरे भाई कभी कभार डिपॉल ओवर रन हो जाते हैं ओवर टायर्डर्ड हो जाते हैं ओवर यूज हो जाते हैं तो वहाँ पर पलासीआस आ सकता है पिच पे लॉस आ सकते हैं पिच पे बाबा मैं तो प्रदेश के लिए काफी कहता हूँ भाई उसको खिलाओ अभी भाई गेम नहीं जा रहा है एनजो का हमने देखा था लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में एनजो आए थे एनी ओन एवरी बट ये मोमेंट है जहां पर हमें एनजो को प्रोटेक्ट करना है तो उसको देन जस्ट आग में झोंकने से बेटर है कि भाई उसको तुम अभी मत खिलाओ जो बेटर प्लेयर है उसको आप खिलाओ को खिलाओ ज्यादा बेटर है और भाई ये ये डिफेंसिव माइंडेडनेस अप्रोच आपको चेंज करना पड़ेगा यू हैव टू मेक श्योर आप गेम को किल करो वरना भाई दीबू कितने बार आपको बचाएगा पुतला बना दो दीबू का भैंस की आंख आई डोंट रियली केयर बट भाई दिस गाय इज नेक्स्ट लेवल दिस गाय द टेम्परामेंट ऑफ द गाय मतलब ऑब्वियसली इट्स इट्स टॉप क्लास यार हर बार हर बार कैसे हो जाता है भाई बंदे ने लेजेड हमें आज बचाया हमारे ब्लशर्स को बचाया एंड बाय मेसी Oh, भाई पेनल्टी मिस मेसी की हर्ट करती है यार चाहे जो कह लो भाई मेसी के एक एवरेज गेम के बाद भाई अगर वो बंदे ने पेनल्टी मार दी होती तो इतना डिसअॉइंटमेंट नहीं होता मतलब मेसी को लेकर खासकर ठीक है अर्जेंटीना जीत गई बट एक बैक ऑफ द माइंड में हमेशा हर्ट करेगा कि यार मेसी ने पेनल्टी मिस की विड नेवर लाइक टू सी लियो मेसी मिस द पेनल्टी क्रिस्टियानो मेंज द पेनल्टी बट यार खुदता है ऐसा हमने देख लिया एक हफ्ते में हमने ये देख लिया कि मेसी और क्रिस्टियानो दोनों ने ही पेनल्टी मिस की है एंड भाई लोग आई थिंक दिस इज दिस इज इट मतलब दोनों ही गोट्स के लिए आई थिंक दिस इज दैट डाउनफॉल एंड भाई अब बस आई वोड ओनली वॉन्ट टू से दिस की भाई प्लीज डू नॉट रिमेम्बर दीज लेजेंड्स बिकॉज ऑफ द लास्ट एक्शन इनको इनके पिछले दो डिकेट्स के लिए याद रखें आप वो ज्यादा बेटर रहेगा एंड बाबा मेसी की पेनल्टी यार ही वॉज ट्राइंग टू गो फॉर द पेनल का ऑलमोस्ट वर्क कर गई थी वो पोल लग गया ही वॉज हिटिंग दी क्रॉस बार चैलेंज बाई ली वो मत करे यार आर रियली वॉन्ट सी की लो मे सी गेट बैक इन इज ग्रूफ एंड बाई दट आई डोंट मी मीस गोल मैं नहीं चाहता हूँ भाई मे मैसी पचहत्तर गोल मार दे कान डू दैट नहीं है बंद उस लेवल पर आई एल एस आर खराब लेवल है यार वहाँ पे प्लेयर्स आर नॉट एल टू बी ट्रीट नॉट एबल टू प्ले एट दैट लेवल तो वो इंटेंसिटी की कमी एंड वॉट नॉट यार तो आई डोंट एक्सपेक्ट एम टू स्कोर सो मनी गोल्स बट जब वो मूमेंट्स आते हैं ना आई एक्सपेक्ट मेसी टू बन्वॉल्व इन द गम एंड अर्जेंटी के लिए कभी डिफिक्ट नहीं हुआ गेम को जितना जितना मेसी इवॉल्व होंगे और यहाँ पे आता है भाई अपच आई वॉन्ट अलाउंस कलिंग टू मेक द राइट सब्सिट्यूशन आज आपके सबसे डिफेंसिव थे ओटामेंडी आए मॉन्टीएल आए ठीक है भाई मुझे समझ में आता है भाई आपको गेम को कंटेन करना है बट बॉयज आई थिंक क्योंकि एक और गेम है अब भाई वेनेजुएला हो या कनाडा हो इसमें हमें हगना नहीं है यहां पे एटलीस्ट टू गोल्स की लीड आपको मिनिमम चाहिए इन मैचेज में तो भाई वी हैव टू मेक श्योर कि हम इन गलतियों से सीखें बट बाबा एक बात तो है भाई हाइंड साइड में सेलिब्रेशन 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 बिकॉज अर्जेंटीना पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में जैसे तैसे घिस करके न, आपको पता है भाई फुटबॉल एक कलेक्टिव स्पोर्ट है आपके गोल्स मिस करेंगे बट आपके गोट कीपर्स स्टैंड अप करेंगे यहां पे भाई डिओ कोस्टा के साथ साथ डिबो ने स्टैंड अप किया है न, सिंगल हैंडेडली सेव्ड अर्जेंटीना येड अगेन बॉय सो ये मजेदार बाई मजेदार सीरियसली यार विमोस अर्जेंटीना बॉयस कॉमेंट्स में बसा देंगे यार देखो आगे पता नहीं क्या होगा क्या पता हम जीत जाए क्या पता हम हार जाएं बट हम जो ग थरली एंजॉय दिस टूर्नामेंट बिकॉज बाई दे मेक एस वील लाइक दैट मिलता हूं मैं आप लोगों से वेरी सुन तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट